वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम खिले खिले साबूदाना खिचड़ी। आप कैसे बना सकते हो घर पे उसकी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसमें 1/4 छोटी चम्मच राई के दाने डालेंगे। राई चटकने लगे तो थोड़ा सा करी पत्ता, 5-6 कड़ी पत्ते को थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे इसमें। 2-4 सेकेंड के बाद इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे 1/4 छोटी कप, और इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक, ट्रांसलूशेंट होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। एक मीडियम साइज़ का बॉयल किया हुआ आलू जो होता है उसको छील के और काट के इस तरीके से डाल दिया है इसमें। इसे भी थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, लगभग 2 मिनट तक फ्राई किया मैंने। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अगर आपको तीखा खाना है तो आप अपने स्वाद के अनुसार 1/2 छोटी चम्मच या 1/4 छोटी चम्मच मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके 1.5 से 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अच्छे से मिक्स करें, 1 मिनट तक इसे इस तरह से भून लेंगे। और यहाँ ये मैंने 20-25 मिनट पहले साबूदाना भिगो के रखा हुआ है। साबूदाने को बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगोना है, 20 से 30 मिनट काफ़ी है। और उसके बाद इसका पानी निकाल के और ये साबूदाने को भी हम इसमें अब ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखें, साबूदाने को अगर आप बहुत ज़्यादा देर भिगोएंगे तो आपका जो साबूदाना खिचड़ी है वो गीला हो जा सकता है, खिला खिला नहीं बनेगा। और साथ ही साबूदाना डालते वक्त उसका सारा पानी निकाल लें, थोड़ा भी पानी साथ में नहीं डालना है, वरना साबूदाना खिचड़ी जो है वो एकदम खिला खिला नहीं बनेगा। अब इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसमें मैं रोस्टेड पीनट यानी कि भुना हुआ मूंगफली का दाना डाल रही हूँ, जिसका छिलका निकाल के थोड़ा सा क्रश कर लिया है। आप चाहें तो तली हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं। और अब ये हमारी साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। गैस को करेंगे बंद और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मैं यहाँ पर मिर्च लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि मैंने शुरू में मिर्ची नहीं डाली थी ताकि बच्चों को तीखा ना लगे। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच नींबू का रस। सबको अच्छे से मिक्स कर दें और गर्मा गर्म सर्व करें। ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में या फिर लाइट लंच के रूप में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सी सच मोर वीडियोज़। आई विल सी यू ऑल अगेन इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।